हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन रियल होम मेकिंग चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज है बहुत ही डिफरेंट ब्लॉग। मैं और गोविंद हमारे मम्मी पापा के साथ जा रहे हैं एक तीर्थ स्थान, खाटू श्याम जी। शायद काफ़ी लोग आप में से भी गए होंगे खाटू श्याम। मेरी मम्मी खाटू जी की बहुत बड़ी भक्त हैं और वो हर महीने की 11 को जाती हैं, एकादशी को जाती है। बट इस बार उन्होंने मेरे अकॉर्डिंग प्लान बनाया है, तो टिकट्स हमारी पहले से ही बुक हो रखी थी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, हम लोग खाटू श्याम तीर्थ करने जा रहे हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी कि हमारा तीर्थ कैसा रहा। और ये है मेरा गोविंद जो एक्साइटेड है ट्रेन में बैठने के लिए। गोविंद एक्साइटेड हो? हाय बोल दो सबको। हाय, वो बहुत एक्साइटेड है ट्रेन में बैठने के लिए। नमस्ते। हेलो, जय श्री श्याम। तो ये देखिए, हमारे घर के पास का रेलवे स्टेशन है ये दिल्ली कैंट का, और यहाँ से चलती है ये जन शताब्दी जो डायरेक्ट हमको पहुँचाएगी खाटू श्याम जी। मम्मी हमेशा इसी ट्रेन से जाती है, तो आज भी इसी की टिकट बुक कराई गई है। और मैं गोविंद का तो क्या कहूँ, मैं भी बहुत एक्साइटेड थी ट्रेन में बैठने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैं भी ट्रेन में नहीं बैठी। मेरी तो ट्रेन से बहुत फॉन्ड मेमोरीज हैं बचपन की। जब भी हमारी समर वेकेशंस होती थी, हर साल हम लोग अपनी नानी के घर जाते थे। लखनऊ के पास एक छोटा सा कस्बा पड़ता है लखीमपुर खीरी, वहाँ पे हमारी नानी रहती है। तो हम हर साल ट्रेन से जाते थे अपनी नानी के घर, ओवरनाइट जर्नी करके। तो नानी के घर जाने से भी ज़्यादा एक्साइटमेंट हमें ट्रेन में बैठने की होती थी। तो ट्रेन के साथ तो हमारी एक्साइटमेंट का कोई मतलब अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। बट कहते हैं ना, गॉन आर दोज डेज, गॉन आर दोज फीलिंग्स। बट आज बहुत मज़ा आया काफ़ी टाइम बाद ट्रेन में बैठ के। और ये देखिए, ये रेवाड़ी का स्टेशन है, इसके आगे नारनोल आएगा जहाँ पे मेरी बुआ जी रहती हैं। तो उन्होंने कहा कि वो भी मुझसे मिलने आएंगी। तो नारनोल स्टेशन पे ट्रेन सिर्फ एक मिनट के लिए रुकती है, बट वो आई, मिली मुझसे। और देखिए, हमारे लिए गर्मा गर्म समोसे और ये इमरती लेकर आईं, और घर की बनी इलायची वाली गर्मा गर्म चाय लेकर आईं, पानी लेकर आईं और चॉकलेट्स लेकर आईं। तो बहुत अच्छा लगा, और उनसे मिलने का तो मेरा बहुत ही मन था। बट बहुत कम टाइम के लिए वो मतलब ट्रेन रुकती है स्टेशन पे, तो मैं व्लॉग भी नहीं कर पाई, उन्हें आपसे मिलवा भी नहीं पाई। बट उनकी शक्ल देख ली तो अच्छा लगा। बट डेफिनेटली किसी व्लॉग में मैं उनको आपसे मिलवाऊंगी जब मैं उनसे अच्छे से मिलूंगी। तो बस अभी हम लोग गर्मा गर्म चाय वगैरह इंजॉय कर रहे हैं ट्रेन में बैठ के, बुआ जी की बनाई हुई। और मेरी बुआ जी भी खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। तो बस इसी तरीके से मस्ती करते कराते, इंजॉय करते कराते हम पहुंच गए खाटू श्याम जी। अराउंड 4 hours में हम रिंगस स्टेशन पहुंचे। रिंगस स्टेशन से हमें एक जीप लेनी पड़ी, क्योंकि जो खाटू श्याम जी का मेन मंदिर है वो और 18 किलोमीटर्स है रिंगस से। तो काफ़ी लोग तो यहाँ से पैदल पैदल यात्रा करते हैं, बट हम लोग तो जीप में गए थे। और ये देखिए यहाँ की रौनक। हम अब खाटू श्याम मेन दरबार में पहुँच चुके हैं जहाँ पे धर्मशाला बनी रहती हैं। तो अभी हम लोग बस पैदल पैदल जाके अपने धर्मशाला में जाएंगे। और ये देखिए, ये है हमारी धर्मशाला, इसका नाम था 2 तारीख वालों की धर्मशाला। तो इसका नाम पहले तो मेरे को ढूंढने में काफ़ी टाइम लगा, फिर फाइनली लगा कि शायद यही नाम होगा धर्मशाला का। और ये देखिए, ये है हमारा रूम। 11 को तो यहाँ पे बहुत धूम रहती है, धर्मशाला भी बुक करना आपको मतलब इतना ज़्यादा टफ हो जाता है कि रूम्स भी नहीं मिलते हैं। बट अभी तो थोड़ा सा ऑफ था, तो हम लोगों को अच्छा रूम मिल गया। और बस थोड़ा सा अभी फ्रेश होंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे शयन आरती के लिए। और थोड़ा सा फ्रेश होके हम लोग निकले हैं आरती करने के लिए। 10 होती है यहाँ पे लास्ट आरती भगवान जी की, और उस आरती के लिए भी बहुत भीड़ लगती है दरबार में। तो हम लोग तो थोड़ा सा जल्दी आ गए थे, पहले एक बार आराम से हमने दर्शन किए और फिर से हम लाइन में आए, और लाइन में लग के फिर से हम लोगों ने आरती की। तो बस हम लोगों ने शयन आरती कर ली है, और अब दर्शन करने के बाद हम लोग आए हैं यहाँ का मार्केट एक्सप्लोर करने। मुझे अपने घर के लिए ठाकुर जी लेने हैं, तो वही मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि मैं कौन से वाले ले रही हूँ। और आप यहाँ देखेंगे, यहाँ के मार्केट एकदम लथपथ है भगवान के सामान से। बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पे भगवान का सामान मिलता है, भगवान के खिलौने, कपड़े, श्रृंगार का सामान, झूले,
और सिंहासन, आप जो कहें वो आपको मिल जाएगा। मन तो करता है कि सब कुछ ले चलें, बट डेफिनेटली मैंने तो बहुत ही कम सामान लिया है क्योंकि मुझे उसे अपने साथ लेके भी जाना है शिकागो। और हाँ, मेरी मम्मी बता रही थी, जो हमारे घर में ठाकुर जी हैं वो मेरी दादी यहीं से लेकर गई थी जिस साल मैं पैदा हुई थी, तो हमारे घर के ठाकुर जी भी 29 ईयर्स ओल्ड हो गए हैं। हेलो एवरीवन, अभी नेक्स्ट मॉर्निंग है, 4:30 हुआ है मॉर्निंग का और हम लोग नहा धो के एकदम तैयार होके आए हैं। मम्मी, मैं और भाभी जी आए हैं। गोविंद को हम लोग पापा के पास छोड़ के आए हैं क्योंकि वो कल बहुत थक गया था, तो वो भी सो रहा है। और प्रसाद ले लिया है, लाइन में लगे हुए हैं क्योंकि हमें मॉर्निंग की आरती करनी है। अब मॉर्निंग की आरती करने के लिए भी देखिए कितनी भीड़ जमा थी वहाँ पर। मतलब मैंने तो पहली बार देखा कि यहाँ पे इतने सारे लोग आते हैं और इस मंदिर की इतनी मान्यता है। कभी बचपन में आई थी मैं यहाँ पर अपनी दादी दादाजी के साथ, और बड़ेपन में तो मैं शायद काफ़ी साल बाद आई हूँ। तो बस हमने दर्शन वगैरह किए, उसके बाद धर्मशाला से ही ब्रेकफास्ट पैक करा लिया है और अब जा रहे हैं रेलवे स्टेशन की तरफ क्योंकि हमारी वापसी की ट्रेन है 7:40 की। हम लोग बस अभी थोड़ी देर पहले ही घर आए और मैंने सोचा मैं आपको इस ब्लॉग में ही दिखा दूं कि मैंने क्या क्या सामान खरीदा है वहाँ से। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, दर्शन कराती हूँ अपने लड्डू गोपाल के। ये देखिए, सुंदर लग रहे हैं ना। मैंने आपको कहा था ना कि मुझे इस तरीके के छोटे से लड्डू गोपाल अपने मंदिर के लिए लेने हैं, तो मैंने ये लिए एक। और इनका पूरा श्रृंगार हो रखा है, देखिए सुंदर से इन्होंने कपड़े पहने हैं और माला वगैरह सब हम इन्हें पहना के वहाँ से लेकर आए हैं। और उसके बाद मैंने लिया अपने लड्डू गोपाल को बिठाने के लिए ये झूला। ये देखिए, मैं जब अपने मंदिर में इसे लगाऊंगी तब भी आपको दिखाऊंगी। और उसके बाद कुछ मैंने दिवाली से रिलेटेड स्टफ लिया है अपने घर को सजाने के लिए। ये शुभ लाभ का एक पैक लिया मैंने, स्वास्तिक लिए और ये दो कलश लिए। इस बार मैं दिवाली पे अपने घर को इन सब चीज़ों से सजाऊंगी तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। उसके बाद मैंने लिए कामधेनु गाय, जहाँ पे कान्हा जी होते हैं ना वहाँ पे ये गाय ज़रूर रखी जाती है, तो मैंने सोचा चलो छोटी सी ये कामधेनु गाय भी ले लेती हूँ। उसके बाद मैंने कुछ ली है ड्रेसेस भगवान जी की, तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ। देखिए, ये एक श्रृंगार का सामान लिया है, इसमें दो कड़े हैं, मुरली है, ये हॉकी होती है। मुझे तो पता भी नहीं था कि भगवान जी की हॉकी भी आने लग गई है, तो ये हॉकी है और ये भगवान जी का मुकुट। एक पैर ये लिया है और एक पैर ये लिया है मैंने। उसके बाद मैंने कुछ ब्यूटीफुल सी ड्रेसेस ली हैं भगवान जी की, अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये हाथी वाली ड्रेस है, छोटे से मेरे लड्डू गोपाल हैं तो छोटी छोटी उनकी ड्रेसेस आई हैं। उसके बाद मैंने ली है ये वाली ड्रेस, कितनी कलरफुल और वाइब्रेंट है ना। और उसके बाद एक ये ड्रेस ली है मैंने, मोरपंख वाली, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। और लास्ट में मैंने ये कलश वाली ड्रेस ली है। और मैंने भगवान जी के लिए ये पगड़ी ली है, देखिए एक ये पगड़ी ली है और एक छोटी सी डेली अगर पहनानी है तो ये छोटी सी पगड़ी है। ये बड़ी वाली है, जब कभी कोई स्पेशल ओकेजन हो, जन्माष्टमी हो, दिवाली वगैरह हो तब पहना लो। और ये छोटी वाली कभी ऐसे ही घर में अभी आपको सजाने का मन है भगवान जी को तो पहना लो। तो ये सब सामान लिया और लास्ट में मैंने ये थोड़ी सी ग्लू ली है क्योंकि जो मुकुट वगैरह होते हैं ना तो वो पेस्ट करने पड़ते हैं भगवान जी के ऊपर, जिससे वो बार बार नीचे ना आए, इसीलिए ग्लू का पैक लिया था। तो ये सब सामान मैं लेकर आई हूँ वहाँ से। कड़े वहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं, बट कल रात में हम ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर पाए और फिर मॉर्निंग में हमारी वापस की ट्रेन थी 7:40 की, तो मॉर्निंग में मार्केट भी ज़्यादा नहीं खुला हुआ था और हबड़ तबड़ भी थी, तो हम लोग कड़े वगैरह नहीं ले पाए। बट यस, मैंने भगवान जी का सारा सामान ले लिया, मैं बहुत खुश हूँ। और जब मैं घर में आप लगाऊंगी भगवान जी को और ये स्वास्तिक वगैरह सजाऊंगी दिवाली पे, तो सब आप लोगों के साथ ब्लॉग्स के थ्रू शेयर करूंगी। एंड मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ घर पे जाके इन सबको लगाने के लिए, सजाने के लिए। तो बस होप करती हूँ कि आप लोगों ने भी मेरे साथ ये ब्लॉग बहुत इन्जॉय किया होगा और आप लोगों को भी खाटू श्याम जी के दर्शन मैंने कराए हैं। तो इस वीडियो को तो आपको एक स्पेशल लाइक देना ही देना है,
और कमेंट सेक्शन में अपनी राय मेरे साथ ज़रूर साझा करिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और फिर से मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बहुत सारा अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय, नमस्ते, जय श्री श्याम।